डेली इंट्राडे कॉल्स पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल फेम इन्वेस्ट में। दोस्तों आज हम पहले 12 मे का रिव्यू कर लेंगे, उसके बाद हम 13 मे के लिए जो कॉल्स हैं वो आपको प्रोवाइड करेंगे। इससे पहले बीच में हम आपको कुछ लॉजिक समझाएंगे कि लाइव मार्केट पे आप कैसे कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं एक बार 12 मई 2020 के लिए जो हमने कॉल्स दी थी उनमें से प्रॉफिट किस किस्म हुआ। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि हमने डिवीज लेबोरेटरी, TCS, अपोलो हॉस्पिटल और बजाज फाइनेंस चार स्टॉक्स दिए थे आपको आज के लिए। डिवीज लेबोरेटरी में हमारे बाय साइड और सेल साइड के दोनों टारगेट अचीव हुए, हर किसी में टारगेट अचीव हुए, बस TCS का हमारा बाय साइड का SL हिट हो गया और अपोलो हॉस्पिटल में हमारा सेल साइड का SL हिट हो गया, बाकी सब में एक ना एक टारगेट अचीव हुआ ही है। अगर आपको चेक करना है तो आप आई बटन क्लिक करके हमारी पुरानी वीडियो चेक कर सकते हैं 12 मई की, जिसमें हमने आपको स्टॉक्स के लेवल दिए थे। तो दोस्तों अब बात हुई व्हाट्सएप की, तो व्हाट्सएप में हमने कॉल दी थी आपको। दोस्तों पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए आपको कोई चार्जेस पे नहीं करने। डिस्क्रिप्शन में आपको एंजल ब्रोकिंग ऐप का एक लिंक मिलेगा जिसके थ्रू आपको एक अकाउंट खोलना है अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है। नहीं ज्वाइन होना है तो कोई बात नहीं है। तो व्हाट्सएप ग्रुप में जब ज्वाइन होंगे आप तो आपको क्या बोलते हैं 5 कॉल मिलेगी, जिनमें से मैं बिलो 500 90% जो रखता हूँ स्टॉक्स वो बिलो 500 रखता हूँ, जिससे कि आपको अगर आपके अमाउंट कम है, आप छोटे स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है और फायदेमंद भी साबित होता है। तो दोस्तों इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आप व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं है, बस आपको अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू अकाउंट ओपन कीजिए। 500 के बिलो आपको जो भी स्टॉक्स बेटर हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। और दोस्तों अगर आपके पास पहले से अकाउंट है और आप नहीं खोलना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, हम यूट्यूब पे भी आपको कॉल देते हैं और टेलीग्राम चैनल पे भी। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन होने के बाद हम आपको टू कॉल्स हम YouTube पे देते हैं और 2 कॉल हम सुबह Telegram चैनल पे अपलोड करते हैं, तो आप वहां से देख लीजिएगा। तो दोस्तों हमारा आज का जो WhatsApp का वो रहा, ग्रेसिम में हमारा दोनों साइड के SL हिट हुए, बाकी सब में सही रहा, बस हमारा एक इंडोसिंट नहीं, खाली हमारा जो है ग्रेसिम में हमारा SL हिट हुआ, बाकी सब में हमारे टारगेट अचीव हुए। आप देख सकते हैं हमारे व्हाट्सएप वाले जानते हैं, जो भी हमें व्हाट्सएप में ग्रुप में हैं उन सबको पता है कि आज कैसा रहा। मेरे को काफ़ी स्क्रीनशॉट भी आए, आप भी अपना स्क्रीनशॉट हमें सेंड कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मिल जाएगा। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आपको स्टॉक्स के लेवल दूं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टॉप लॉस, यानी कि स्टॉप लॉस बहुत मेन है। आप अगर कोई स्टॉक पिक करते हैं तो आप अगर लाइव मार्केट में करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं तो भी मैं आपको बताऊंगा स्टॉप लॉस कैसे प्लेस करना है, प्लस अगर आप मेरे स्टॉक पुट करते हैं अपने पिक करते हैं ट्रेडिंग के लिए तो भी आपको मैं बता ही देता हूं कि स्टॉप लॉस जो हमने दिया है उसी पे आपको लगाना होता है, चेंज करना होता है, यानी कि इमेजिनरी स्टॉप लॉस प्लेस करना होता है हमारे फर्स्ट टारगेट प्राइस पे जब सेकंड टारगेट प्राइस का पीछा कर रहे हैं, वही सेम टू सेम करना पड़ता है जब थर्ड टारगेट प्राइस का पीछा करते हो तो सेकंड टारगेट प्राइस पे इमेजिनरी स्टॉप लॉस प्लेस करना पड़ता है, और इमेजिनरी स्टॉप लॉस फिगर्ड होना चाहिए, जैसी वो हिट हो उसके बाद आप ट्रेड से बाहर आ जाएं। और दूसरा है हमारा ओपन इज इक्वल टू लो, सॉरी ओपन इज इक्वल टू हाई। ओपन इज इक्वल टू हाई में क्या होता है दोस्तों कि जो ओपनिंग प्राइस है स्टॉक की वही उसकी उस दिन की हाई होती है, उसके बाद वो नीचे नीचे बजाता रहता है, आप उसे शॉर्ट सेल करके उसमें काफी अच्छा अमाउंट अर्न कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ, इमेजिनरी स्टॉप लॉस के साथ आप आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया स्टॉप लॉस को इमेजिनरी कैसे प्लेस करते जाना है टारगेट टारगेट प्राइस पे, तब तक आप बढ़ते रहेंगे जब तक आपको प्रॉफिट देगा, जैसे ही आपको इमेजिनरी स्टॉप लॉस हिट होगा आप टारगेट से बाहर आएंगे। वैसे ही ओपन इज इक्वल टू लो ऊपर की तरफ, यानी कि बाय साइड में बाय साइड की कॉल आप पकड़ेंगे, वही स्टॉक का जो ओपन हुआ प्राइस था वही उसका लो था उस दिन का, तो आप बाय साइड की कॉल पकड़ेंगे, इमेजिनरी स्टॉप लॉस के साथ चलते बनेंगे, चलते रहेंगे, जैसे ही स्टॉप लॉस हिट हो वैसे ही आप टारगेट से बाहर आएंगे इमेजिनरी स्टॉप लॉस। तीसरी दोस्तों गैप अप गैप डाउन स्ट्रेटेजी, क्योंकि काफी सारे स्टॉक्स हैं जो गैप अप ओपन हो जाते हैं तो इसके लिए हमने अलग से वीडियो प्रिपेयर किया, आप आई बटन पर क्लिक करके प्लस डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक मिल जाएगा शुरू में ही गैप अप गैप डाउन स्ट्रेटेजी का, आप वहां जाके वो वीडियो देख लीजिए, आपको काफी अच्छा लगेगा वो वीडियो देख के, आपको कुछ बहुत कुछ समझ आएगा, प्लस आप अगर गैप अप ओपन होता है तो कैसे ट्रेडिंग हमारे कैसे फॉर्मूले निकलते हैं और कैसे हमारे टारगेट अचीव होते हैं वो सब आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों 13 मई 2020 के लिए जो पहला स्टॉक मैंने सेलेक्ट किया है वो है हमारा सीमेंस। कल के लिए मैंने सीमेंस को इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि काफ़ी अच्छा ये मूवमेंट कल दे सकता है हमें, जैसे कि हमने इसको काफ़ी दिनों से काफ़ी टाइम से मैं इन सब स्टॉक्स को जज कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, इनकी मूवमेंट नाप रहा हूँ, उसके हिसाब से मैं आपको जो कॉल्स है वो देता हूँ। तो कल जो ये मूवमेंट देगा, हालांकि ये रोज़ देता है बट रोज़ सेम स्टॉक क्या बोलते हैं प्रॉफिट नहीं दे पाते हैं, तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि अलग अलग स्टॉक देता हूँ। तो अलग अलग स्टॉक में आज कल के लिए मैंने सेलेक्ट किया सीमेंस क्योंकि ये काफ़ी अच्छे मूवमेंट है इसकी, काफ़ी
अच्छा ये आपको कल प्रॉफिट देके जा सकता है। और दोस्तों प्रॉफिट लॉक मेथड यूज करेंगे क्योंकि आजकल काफी सारे स्टॉक्स जो है वो मूवमेंट नहीं दे पा रहे हैं, तो एक टारगेट भी अगर हमारा अचीव होता है तो आप टारगेट से बाहर आ सकते हैं। प्लस टारगेट अचीव हुए बिना भी आप टारगेट से बाहर आ सकते हैं, ट्रेड से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि बाय करने के बाद अगर 2-3 पॉइंट बढ़ चुका है तो आप टारगेट सीधा सीधा हमारी ट्रेड जो भी ट्रेड आपने पुट करी है उससे बाहर आ सकते हैं। तो दोस्तों मैं लाइव मार्केट वालों के लिए मैं एक जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि पीछे से अगर सपोर्टिंग कैंडल होगी तो मैं एक बार बता दूं कि सपोर्टिंग कैंडल किस टाइप की होती है। इस टाइप की कैंडल होती है जो कि पीछे से सपोर्ट बनाते हुए आती रहती है और नीचे जाती रहती है। इसमें लोग शॉर्ट सेल करते हैं और बाई साइड में इस टाइप की कैंडल में लोग बाय करते हैं। तो दोस्तों सपोर्टिंग कैंडल का बहुत जरूरी है रोल। अगर कोई बड़ी सी कैंडल स्टिक, यहाँ तो खैर मुझे दिख नहीं रही है काफी बड़ी इसलिए मैंने इस स्टॉक को चुना है, यानी कि एक ही कैंडल स्टिक 5 मिनट का चार जो टाइम फ्रेम है उसमें अगर आपको एक कैंडल स्टिक बहुत बड़ा बन जाता है, यानी कि मान लीजिए यहाँ से लेकर नीचे तक इसने कवर कर लिया, तो आप उसमें कभी शॉर्ट सेल नहीं करेंगे। मैं हमेशा बता रहा हूँ आपको पीछे से जो सपोर्ट बना के चल रही है, देखिए यहाँ से इस कैंडल को अगर हम देखना चाहें तो ये पीछे से सपोर्ट बना के चल रही है। पीछे से जो कैंडल स्टिक सपोर्ट बना के चल रही है शॉर्ट सेल करेंगे इसे यहाँ पे, फिर यहाँ पे से शॉर्ट सेल करते 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 आप प्रॉफिट कमा लेंगे। और दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंट्राडे में ज्यादा देर रुका नहीं जाता है, इमेजिनरी स्टॉप लॉस, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी वीडियो में थोड़ी देर पहले ही बताया था, इमेजिनरी स्टॉप लॉस के साथ चलेंगे तो आपको कभी लॉस नहीं होगा। इमेजिनरी स्टॉप लॉस हिट होते ही टारगेट से बाहर आना है। दोस्तों रही बात स्टॉप लॉस की, तो स्टॉप लॉस जब भी आप शॉर्ट सेल करेंगे, ऐसे चीज में क्या होता है कि जब लोग शॉर्ट सेल करते हैं तो स्टॉप लॉस कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मैं स्टॉप लॉस क्या अनुसार रखूं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए प्रीवियस कैंडल से सपोर्ट लगे, आपने इस कैंडल पे बनाया है, इस कैंडल पे आपने शॉर्ट सेल किया है, तो आप इस कैंडल का लो लेंगे, इस हाई सॉरी दोस्तों इस कैंडल का आप हाई लेंगे। अगर इस कैंडल पे आपने इस यहां पे आने के बाद, यानी कि अब यहां देखें तो 10:25 के बाद 10:25 के बाद 10:23 पे या फिर 10:20 पे आपने शॉर्ट सेल किया है, तो आपका जो आपने जो भी पिछला प्रीवियस कैंडल स्टिक है उसका हाई आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अब मैं ये चीज बता दूं, क्लियर से सुनिएगा, ये छोटे कैंडल स्टिक के लिए इस टाइप के। अगर कोई बड़ी कैंडल स्टिक है, यानी कि मान लीजिए अगर ये है इसका स्टॉप लॉस, अगर इसके अकॉर्डिंग हम स्टॉप लॉस रखने जाएंगे तो हमें तो काफी ज्यादा लॉस हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग अगर कोई बड़ी कैंडल स्टिक है तो आप उसका मीडियम लेंगे, मिडिल पॉइंट लेंगे, उसका जो भी मिडिल पॉइंट होगा उसको आप अपना स्टॉप लॉस बना लेंगे, जो बड़ी कैंडल स्टिक होगी जिसके सपोर्ट में आप, पहले तो मैं बोलता हूँ कि बड़ी कैंडल स्टिक को में आप ट्रेड तो करेंगे ही नहीं क्योंकि वो कभी भी चेंज हो सकती है, छोटे कैंडल स्टिक का सपोर्ट लेंगे। लेकिन अगर कोई बड़ी कैंडल स्टिक हो गई मान लीजिए और उसके बाद छोटी छोटी सपोर्ट बना के चल रही है, तो आपको जो बड़ी कैंडल स्टिक है उसका हाफ यानी कि मिड पॉइंट आप ले लेंगे, जितना भी उसका इस वर्टिसेस यानी कि जो उसने लो बनाया और जो उसने हाई बनाया उसका मिड पॉइंट ले लेंगे, उसका स्टॉप लॉस अगर प्रीवियस कैंडल का स्टॉप लॉस ले लेंगे आप, जो कि जिस कैंडल में आपने ट्रेड किया। एक बार मैं फिर से क्लियर कर दूं, आप जब यहां से मान लीजिए प्रीवियस कैंडल का पहले तो सपोर्ट देखेंगे, आप सपोर्ट देखने के बाद आप क्या करेंगे कि जब आप शॉर्ट सेल करने जाएंगे ऐसे में, तो शॉर्ट सेल करते वक्त आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, वो रहेगा जो आपका प्रीवियस कैंडल था उसका हाई। ये होगी क्लियर बात। दूसरी बात कि अगर प्रीवियस कैंडल काफी बड़ी है, पहले तो मैंने कहा है उसमें ट्रेड नहीं करना अगर बड़ी कैंडल स्टिक बना रही है, लेकिन उसके बाद प्रीवियस कैंडल स्टिक बड़ी थी उसके बाद छोटा छोटा बना के इसने सपोर्ट लिया है, तो आप क्या करेंगे जो बड़ी कैंडल स्टिक थी उसका मिड पॉइंट लेंगे अपना स्टॉप लॉस। ये बात क्लियर रहनी चाहिए। सेम विद बाय साइड, बाय साइड में भी सेम करेंगे, बस बाय साइड में ऊपर ऊपर जाते रहेंगे और नीचे इसका लो रखेंगे। इस सेल्स शॉर्ट सेल करते हुए आप हाई को रखेंगे स्टॉप लॉस और बाय करते हुए आप ही रखेंगे लो को, जो भी लो रहेगा प्रीवियस कैंडल का उसको रखेंगे आप अपना स्टॉप लॉस। और स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है और ज्यादा देर ट्रेड में नहीं रुकेंगे दोस्तों, मैंने कल आपको समझाया था वीडियो में। मैं एक स्पेशल वीडियो भी तैयार कर दूंगा आपके लिए जिसमें आपको स्टॉप लॉस टारगेट सब कुछ पता चल जाएगा लाइव मार्केट पे अपने हिसाब से। तो दोस्तों आज के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मैंने सीमेंस का जो लेवल सुने हैं वो आप बाय करके चलेंगे इसे। देखिए दोस्तों अगर एनएससी की वेबसाइट में आप जाएं तो सीमेंस का जो लेवल्स है वो बता रहा है 1015 का, यानी कि 1014 पे ये क्लोज दिखा रहा है चार्ट में और 1015 का एनएससी में इसका प्राइस चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने इसको जो है एनालाइज किया है। तो आप बाय करके चलेंगे इसे 1020 पे, स्टॉप लॉस रहने वाला आपका 1014 का, टारगेट प्राइस रहने वाला है 1035 का। आप शॉर्ट सेल करके चलेंगे इसे 1010 पे, स्टॉप लॉस रहने वाला आपका 1016 का, टारगेट प्राइस रहने वाला 1005 लेकर 1009.95 का। दोस्तों ये बात याद रखिएगा, जो मैं आपको स्टॉप लॉस देता हूँ वो बहुत जरूरी है, टारगेट से पहले और टारगेट के बाद आप बाहर आ सकते हैं। फर्स्ट टारगेट अचीव होने के बाद आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि आप बाहर आ सकें, ताकि आपको जो आपने अमाउंट अर्न की है वो लॉस में न समझे।
और दोस्तों चलिए दूसरा स्टॉक जो मैंने आपके लिए चुना है, तो दोस्तों दूसरा स्टॉक जो मैंने आपके लिए चुना है वो है बाटा इंडिया। बाटा इंडिया आप बाय करके चलेंगे 1328 पे, स्टॉप लॉस रहने वाला है 1322 का, टारगेट प्राइस रहने वाला है दोस्तों आपका 1333 का, और सेकंड टारगेट प्राइस रहने वाला है 1338 का, थर्ड टारगेट प्राइस रहने वाला है 1345 का। दोस्तों इसमें भी प्रॉफिट लॉक मेथड यूज करेंगे, शॉर्ट सेल करके चलेंगे इसे आप 1319 पे, स्टॉप लॉस रहने वाला आपका 1325 का, टारगेट प्राइस रहने वाला है 1314, 1310 और 1305 का। दोस्तों अब काफी लोगों को कंफ्यूजन होगी कि शॉर्ट सेल करने के लिए बोला है 1319 पे, पर इसका जो चार्ट में क्लोजिंग प्राइस दिखा रहा है वो दिखा रहा है 1319 का। तो दोस्तों अगर आप एनएससी की वेबसाइट में जाएंगे तो बाटा इंडिया का जो अभी प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 1324 का, तो उस हिसाब से मैंने एनालाइज किया है। बाकी गैप अप गैप डाउन स्ट्रेटेजी आपके सामने है, जब भी कुछ होगा तो आपको क्या करना है, ये चीज की स्ट्रेटेजी मैंने आपको पहले से ही तैयार करके दे दी, तो वो चीज देख लीजिए। और आखिर में दोस्तों ये कहूंगा कि इस वीडियो को अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा हमारे डेली अपडेट पाने के लिए, और दोस्तों जितना हो सके इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।